टीच डिफेंस ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर थर्ड वीडियो नंबर थर्ड। जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर होगा 21, जेलेनस के बहुरूप क्या है। जेलेनस एक बहुरूपक है और बहुरूपक होता है, नंबर वन है इसका जिंक ब्लेंड एंड दूसरा बहुरूपक है बोर्ड्स जाइट। ठीक है, WURTZIT बोर्ड्स जाइट, जिंक ब्लेंड एंड बोर्ड्स जाइट, इसके दो बहुरूपक होते हैं, एक से अधिक रूप वाले। जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीय रूप हैं, नंबर वन कैल्साइट, नंबर टू आरागोनाइट। कैल्साइट है और दूसरा है आरागोनाइट। ठीक है, CaCO3 के क्रिस्टलीय रूप हैं कैल्साइट एंड आरागोनाइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 23, धातुओं की विद्युत चालकता ताप वृद्धि से घटती है। धातुओं की विद्युत चालकता ताप वृद्धि से घटती है। BeO Al2O3 SNO रेलेनो वह धर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, BeO Al2O3 SNO रेलेनो ये उभय धर्मी ऑक्साइड है। कभी कभी पूछ लेता है उभय धर्मी है, तो मैं जब टॉपिक में जाऊंगा इनकी डिटेल बताऊंगा कि उभय धर्मी होते कैसे हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से इनके बारे में डिफाइन किया जाता है। आगे अधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, पहला पॉइंट है। आगे पॉइंट है, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। देखिएगा यही पॉइंट आ गया, अधातुओं के ऑक्साइड सॉरी उपधातुओं के सॉरी अधातु नहीं उपधातु उपधातुओं के ऑक्साइड हमेशा उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, उपधातुओं के ऑक्साइड हमेशा सदैव ही उभयधर्मी होते हैं। कुछ उपधातुओं के नाम दे देते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलीरियम, ये उपधातु हैं। जी मतलब होता है जर्मेनियम और एस आर्सेनिक और SB होगा एंटीमोनी और ये होता है टेल्यूरियम, ये सब उपधातु हैं। उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। अच्छा, कुछ उपधातुओं के नाम हो गए, तो उपधातुओं के से बनने वाले कुछ ऑक्साइड क्या क्या हो सकते हैं। इन उपधातुओं से जो ऑक्साइड बनेंगे वो हो जाएंगे GeO Al2O3 आर्सेनिक का ऑक्साइड Al2O3 एंड Sb2O3 एंड TeO, ये सभी उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं। 28, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। डायमंड सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ है और जबकि टैल्क सबसे कम कठोर पदार्थ है। डायमंड सबसे अधिक कठोर पदार्थ है
और टैल्क सबसे कम कठोर पदार्थ हैं। 29 ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय परत संरचना है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय परत संरचना है। कुछ यहाँ पे नंबर देंगे, 30 नंबर। पीतल क्या होता है? पीतल या ब्रास, ठीक है, इसमें होता है Cu 70%, Cu मानो कॉपर 70% और Zn 30%। तो कभी कभी ये डाटा पूछ लिया जाता है कि पीतल में कॉपर कितना होता है या जिंक, यानी कि ऐसा ऑप्शन आ जाता है पीतल में एक मिश्र धातु है, ए ऑप्शन, मतलब Cu 50%, ये ऐसे ऐसे अलग अलग करके एक करेक्ट रख देंगे, मैं मना सकता हूँ इस पे क्वेश्चन। पीतल एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु है किसकी? नंबर एक Cu 30%, Zn 70%, ए ऑप्शन। बी एक करेक्ट डाल देते हैं, एक तो करेक्ट रहेगा ही, Cu 50%, Zn भी 50, एंड डी डाल दो, Cu 20, Zn 80। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो करेक्ट मालूम होगा तभी जो है बताया जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट से पता लग रहा है कि हाँ ये है, उसको करेक्ट पॉइंट को लेके आपको याद करना है, और तो आगे उस पर जो क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन उसमें से जब तैयार होगा, मैटर पता होगा तो क्वेश्चन निकल ही जाएगा।